वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की स्टूडियो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, आप यहाँ पे विंग्स एयरबर्ड्स को आप टोटली कस्टमाइज कर सकते हो विंगसिंग ऐप के साथ। यहाँ पे आप कनेक्ट करके इसके टच कंट्रोल से लेके इसके लाइट्स तक को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे नाम इसका चेंज करना है, आपको यहाँ पे टोटली सारे सेटिंग्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो आपको इस वीडियो को आपको गाइस एंड तक देखना है तो आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप फॉलो किए तो आपको भी यहाँ पे सेम स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है तो आपका भी एयरबड्स विंगसिंग ऐप के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गाइज प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने का आपको यहाँ पे सर्च कर देना है विंगसिंग एप्स करके, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ओपन कर लेना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, लॉग इन का और साइन अप का। तो यहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट होगा तो आप साइन अप लॉग इन कर, अगर आपके पास अकाउंट होगा तो लॉग इन कर लेना, अगर नहीं होगा तो साइन अप कर लेना। तो यहाँ पे हम पहले लॉग इन कर लेते हैं। तो लॉग इन का प्रोसेस सेम है, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे आपका जो जीमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। तो गाइस लॉग इन डिटेल हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल हमने फिल कर दिया है। तो कुछ इस तरह का सा इंटरफेस आपको सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 850 कनेक्ट था तो इसे मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आपको यहाँ पे आइकॉन दिख रहा होगा राइट साइड में, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये जो नो दो एयरबड्स हैं आपके, यहाँ पे इसको निकाल के रख देना है साइड में, मतलब ये पेयरिंग मोड में चले जाएंगे। इसके कारण पेयरिंग मोड आपको इंश्योर कर लेना, आपके एयरबड्स की लाइट्स यहाँ पे ब्लिंक होनी चाहिए, लेफ्ट वाली या फिर राइट वाली, समथिंग जो लेफ्ट वाली रहती है, हाँ जो लेफ्ट वाली एयरबड्स की लाइट आपकी यहाँ पे ऑन रहनी चाहिए पेयरिंग मोड में। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा आ चुका है फैंटोन 345। तो अब इसे हम क्लिक करके इसे कनेक्ट कर लेंगे। तो बिंग एडेड करके आपको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमें पेयरिंग रिक्वेस्ट भी आ चुकी है तो हम इसे पेयर कर लेते हैं। पेयर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है हमारे डिवाइस, तो हम यहाँ पे डन कर देते हैं। तो डन करने के बाद आपको यहाँ पे भी थोड़ा वेट कर लेना है, क्यों ये एयरबड्स ये मोबाइल के साथ कनेक्ट हो रहा है, टोटली सिंग हो जाता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा मॉडल नंबर आ चुका है 345, आप यहाँ पे देख सकते हो 345 ये भी है, और ये 345 का जो मेरे पास वाइट कलर में है इसका ब्लैक कलर भी आता है। तो हम सबसे पहले ऐप्स के बारे में बात कर ले, यू क्यू राइडर मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है लेफ्ट साइड में। आप इसे टोटली ये डिफॉल्ट पे रहेगा सबसे पहले यूजिंग के लिए, तो यहाँ पे आप पॉपुलर कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो, फ्लॉक क्लासी या फिर जैस, जैसे आपको जो म्यूज़िक आपको यहाँ पे पसंद आता है आप इसे यूज़ करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। टच कंट्रोल्स की बात किया तो यहाँ पे आपको राइट साइड में टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे सिंगल टैप से आप यहाँ पे वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, या फिर जो राइट से आप यहाँ पे वॉल्यूम अप कर सकते हो। तो आप इसे टोटली कस्टमाइज भी कर सकते हो, डबल टैप से आप क्या कर सकते हो, सिंगल ट्रिपल टैप से, और लॉन्ग प्रेस से आप यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट आपको यहाँ पे लॉन्ग मिल जाएगा। लॉन्ग प्रेस से आप यहाँ पे राइट लेफ्ट वाले से आप यहाँ पे गूगल असिस्टेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे राइट में आपको गेम ऑन और राइट वाले एयरबड्स से आप यहाँ पे गेमिंग मोड को ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, यहाँ पे मोर्स में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ऑटो शटडाउन का एक टाइमर मिल जाता है, मतलब आपको अगर ऑफ़ करना है एयरबड्स आपको म्यूज़िक सुनते सुनते तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइमर लगा के यहाँ पे कंफर्म कर देना। नेक्स्ट में आपको डिवाइस का नेम आपको यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हो, जैसे 345 है तो यहाँ पे 850 कर सकते हो। गेम मोड आपको डायरेक्टली डेडिकेटेड ऐप्स मिल जाता है, आप यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे मिल जाता है आपका एयरबड्स की लोकेशन क्या है, लेकिन ये कुछ इतना काम का आप फीचर इसे बोल नहीं सकते हो कि डायरेक्टली जो ये रहता है अपना लोकेशन एयरबड्स का वो ही दिखाता है, जैसे एयरबड्स वगैरह में रहता है लाइव लोकेशन, वो सब इसमें नहीं मिलता। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।